Hello friends, how are you all? I hope you all are good. So please don't forget to like and subscribe my channel and do share it with your friends. Okay, so let's discuss with section 16. Procedure for recovery of immediate possession. Immediate possession ki recovery kaise karvai jayegi? What will the procedure? Notice kitne din mein diya jayega? Ye sab hum is section mein padhenge. Okay, bahut simple hai. Sirf aapko ye yaad karna hai ki notice, reply aur in sab kitne kitne days mein diya jayega. Okay, so let's start. The landlord or any person claiming immediate possession, कौन कौन करेगा? या तो landlord करेगा या फिर कोई और person करेगा. Immediate possession के लिए claim कर रहा है तो वो क्या करेगा? Petition file करेगा. किसके सामने? Rent tribunal के सामने. And such petition shall be accompanied by affidavits and documents. Okay, हम earlier देख चुके हैं ये सब कुछ. Upon which landlord or person entitled to seek immediate possession wants to reply. ठीक है, क्या की जाएगी? पिटीशन फाइल की जाएगी लैंडलॉर्ड या फिर किसी और पर्सन को जिसको इमीडिएट पजेशन चाहिए. ओके, और हमने पहले पढ़ा है सेक्शन 10 में कि किन किन कंडीशंस में उसको इमीडिएट पजेशन चाहिए होगी. ठीक है, लैंडलॉर्ड को. नेक्स्ट वी हैव द रेंट ट्रिब्यूनल अपॉन फाइलिंग ऑफ पिटीशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल इशू नोटिस accompanied by copies of petition affidavit and documents fixing a date not later than 30 days. Okay, रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? नोटिस देगा. ओके, नोटिस किसको देगा? ऑपोजिट पार्टी को, टेनेंट को. 30 डेज का नोटिस देगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस रिक्वायरिंग द टेनेंट टू सबमिट रिप्लाई. अब टेनेंट को रिप्लाई करना है, कितने दिन में करेगा? लेट्स सी, हम आगे देखते हैं. अकम्पेन्ड बाय नोटिस रिक्वायरिंग द टेनेंट टू सबमिट रिप्लाई अकम्पेन्ड बाय एफिडेविट्स ओके एंड डॉक्यूमेंट्स इफ एनी On which the tenant relies. क्या कर सकते हैं? कोई और डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहा है. नेक्स्ट, द सर्विस ऑफ नोटिस शैल बी इफेक्टेड थ्रू प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस होगा? जो ट्रिब्यूनल चाहेगा या फिर सिविल कोर्ट जैसा चाहता है, जैसे प्रोसेस का इशू किया जाता है. ठीक है, नोटिस इशू किया जाता है, वो जो प्रोसेस होता है दैट विल बी फॉलोड. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. दैट इज the tenant may submit his reply, okay, with affidavits and documents after serving the copies of the same on the petitioner within a period not exceeding 30 days. Reply कितने दिन में कर सकता है वो? 30 days में, okay? From the date of service of notice. फिर क्या जाता है? फिर rejoined जाता है. कौन file करेगा? Petitioner, जो petition file कर रहा है. ठीक है, if any after serving copy of the same on the tenant within a period of 15 days from the date of service of reply. Pehle kya hua? Notice diya 30 din mein, 30 din mein reply kiya. Fir kya hoga? Rejoinder file kiya jayega kitne din mein? 15 days mein. Theek hai, ab kya hai? The rent tribunal shall fix a date of hearing. Ab hearing ki date fix karega not later than 90 days from the date of service of notice on the tenant. Theek hai, hearing jab usne notice diya matlab 30 din, uske baad 90 दिन के बाद वो क्या करेगा? डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेगा. द पिटीशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 150 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टेनेंट. और सारी पिटीशन कितने टाइम में कंप्लीट की जाएगी? 150 डेज में. सिंपल. नेक्स्ट, द रेंट ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच हियरिंग मे होल्ड सच समरी इंक्वायरी. क्या कर सकता है? इतने टाइम पीरियड में वो एक समरी इंक्वायरी भी करवा सकता है एज इट डीम्स नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर द पिटिशनर इज अ लैंडलॉर्ड एज कैटेगराइज्ड अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 एंड ऑन बीइंग सैटिस्फाइड दैट द पिटिशनर बिलोंग्स टू एनी ऑफ द कैटेगरीज. उसमें जो हम कैटेगरीज पढ़ते हैं ना कि वो अगर कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का एम्प्लॉय है या फिर वो कोई भी सीनियर सिटीजन है तो वो ये सब चीजें डिमांड की जा सकती है इमीडिएट पोजेशन पे. लेट्स सी सेक्शन 10 क्या है. ये देखो, राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन ऑन सर्टेन केसेस. ये हमने पढ़ा था कि आर्म्ड फोर्सेस क्या है, एक साल के अंदर वो ये डिमांड कर सकता है. एम्प्लॉय है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सीनियर सिटीजन है या कोई भी एलआर है. ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं? दे कैन डिमांड रिगार्डिंग इमीडिएट पजेशन. ठीक है, कोई भी उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है. ठीक है, कोई उसकी विडो कर सकती है इसके ऊपर. तो ये सब हम इसमें देख चुके हैं. नाउ वी हैव अब नेक्स्ट दैट इज 10(1) एंड 3 में एंड ऑन बीइंग सैटिस्फाइड दैट द पिटिशनर बिलोंग्स टू एनी ऑफ द कैटेगरीज
ऑफ द लैंडलॉर्ड. ये कौन करेगा? ये रेंट ट्रिब्यूनल एक समरी इंक्वायरी कर रहा है जिसमें ये सब चेक करेगा कि वेदर द लैंडलॉर्ड वॉट एवर ही इज सेइंग इज जेन्युइन और नॉट. ओके. कैटेगरीज, पिटिशनर बिलोंग्स टू एनी ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द लैंडलॉर्ड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 एंड 3 ऑफ सेक्शन 10 शैल डिस्पोज ऑफ द पिटिशन विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज. अगर 1 और 3 क्लॉज में अगर लैंडलॉर्ड इज जेन्युइन देन कितने दिन में की जाएगी? 120 डेज में ये डिस्पोज ऑफ की जाएगी. ओके. द सर्टिफिकेट इशूड अंडर सबसेक्शन शैल अंडर सबसेक्शन 5 शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन. ओके. सिर्फ दो एक्सेप्शन है इसमें कि अगर 1 और 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 120 डेज में जाएगी. एंड थर्ड वी हैव दैट इज शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन. ओके. थैंक यू सो मच.